वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आप सबकी डिमांड पर अब हम लोग आ गए हैं। कहाँ पता ही, कोई डिमांड नहीं थी, सॉरी, वो मेरा ब्लॉग वायरल हो गया था, तो मैं अब फिर से आ गई हूँ अपने एविक्स पे। हम लोगों को शॉपिंग करनी थी, लास्ट टाइम में मम्मी को फ़ोन आ गया तो उनको भी सूट चाहिए था एक न्यू, तो हम लोगों ने उनके लिए आए हुए हैं एविक्स। एविक्स हमारे घर से काफ़ी दूर है और हम लोग अब एविक्स पे आकर देखने लगे। पे मिल रहा है मेकअप यहाँ हैदराबाद में, ये देखिए अच्छे दिन तो यहीं चल रहे हैं। ठेले पर सस्ता मेकअप ले, लड़कियाँ आओ और लेके जाओ। ये रेड वाला सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है, न्यू मैरिड गर्ल के लिए है और ये भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं एविक्स अकबर की दुकान पर, तो हम लोग सोचते हैं लाइक इन माई फर्स्ट फ्लोर। सो आज मैं गई हूँ अकबर पर अगेन। सो गाइस, आप लोग के लिए सो गाइस, आज हम सारी चीज़ इनके बन जाएगा। मैं इधर का बनाने नहीं, हमारे पाकिस्तान में नहीं चाहिए, अदर चाहिए, वो तो दे दिए। ये जो का पूरा खाना तो बस इसमें ऊपर दाल बाटी के नंबर रखा है। हां कुछ सेकंड थोड़े अकबर पे यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्राइस पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं। या फ्रेड इसको 5900। ये बॉटम है दुपट्टा, एक दो कलर मिलते चाहिए, सेम दुपट्टा। दिखा दो दीदी, मेरा वाला जैसा था हमने ले चुका है। इंट्रोडक्शन दिया, इतने अच्छे से सब कुछ किया। सो गाइस, एक सूट रह गया था तो वो भी हम लेने आ गए हैं, एक ही बचा था और दिखाई कौन था। अब ले सब हो गया। गाइस, नाइंटी का है, बताओ क्या है। तो गाइस, हम लोग अब ज्ञानीस पे आए हैं सेकंड शोरूम पे। आप देखते हैं सूर्या कौन से अच्छे लगते हैं हम लोगों को। हाँ, अच्छा है।
गाइस आप लोग देख ही रहे हैं, मैं हर वक्त शॉपिंग कर करके थक जाती हूँ, कभी कुछ करके थक जाती हूँ, कभी मैं कुछ करके थक जाती हूँ, आज मैं शॉपिंग करके थक जाती हूँ। लगा तो इसका कितनी जोर शोर से शॉपिंग हो रही है गाइस, मैं क्या ही बताऊं आपको, हर एक चीज क्राउड हो रहा है इतना। चलो आ चलना है, देख ले रहा इसकी भी। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ शोरूम पर, यहाँ इतनी सारी रश हो रहा है, यहाँ स्लीपर के शॉप सारी फुल रहती हैं और स्लीपर में सारी डिज़ाइन वो चलती है जो चमकी जरी वाली, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ कोई भी प्लेन नहीं पसंद करता, सब लोग जरी वाले पसंद करते हैं। एक पीनी हम लोगों ने ले ली है, फिर भी उनका दिल नहीं भरा है तो एक और लेने की बारी चल रही है। यहाँ हमारी आदू बैठ के ले रही हैं और उनकी मम्मा लोग यहाँ आदिया के सैंडल देखते देखते 100 शोरूम देख गया, लेकिन हमारा आदिया का सैंडल नहीं मिल पा रहा। और क्या आपके क्या नहीं मिल पा रहे? सो गाइस इनका जूती नहीं मिल पा रही, हम बहुत दुखी हैं। यहाँ कुछ हमारी आगे के सालों पीते जा रही है लेकिन उनका फील नहीं मिल पा रहे। सो आप कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए गाइस, मेरी एक फ्रेंड ने कहा था वो काशीपुर में मिली थी, क्या आप भी अवाया लीजिए भैया, मैं यहाँ पे अवाया ले लूँगी, दूर जाके देखना। मैं यहाँ आती हूँ, हर वाया अवाया खरीद के जाती हूँ, फिर उसके बाद घर जाके मेरी मम्मी कह रही है बेटा अवायों को इकट्ठा कर ले। मैं ग्रीन है, एक मैं न्यू एक भी बार नहीं पहना, वो भी मेरे घर पर पड़ा हुआ है। अब फिर आई हूँ मैं हैदराबाद, आती हूँ अवाया खरीदती हूँ, फिर घर जाएगी, फिर मैं अवाया पहनती नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हूँ अपनी आदत से मजबूर, और मेरे घर वाले ने इसलिए तो मुझे यहाँ वहाँ भेजते थे क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं इतने शॉपिंग कर रही हूँ, इतनी शॉपिंग कर रही हूँ कि वो परेशान हो चुके हैं, उनके भाई घर से बाहर निकलो आप। और किसके लिए भी नहीं है, ऐसी ठंडो करती है। चलो बुराई जा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरी पसंद के अकॉर्डिंग, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं क्या ही बताऊँगा। देखिए आप लोग, मेरे आज एक रुपये की भी शॉपिंग थी, एक फूटी कौड़ी की बस मम्मी के लिए छू गया मैंने। गाइस आपको मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ, सारे फ्रूट्स दिखा रही हूँ, तो बड़े साइज में नहीं मिल रहे गाइस, बड़े साइज में नहीं मिल रहे रेडीमेड चीज, क्या करें अब, रोना सा आ रहा है, रोना आ रहा है, पर रो नहीं सकती हूँ मैं, परेशान हूँ। ऐसे कह रहे जी ड्रॉप को लेना, क्यों खाना को रोना आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मेरी बहन के लिए कुछ रेडीमेड सूट नहीं दे रहा, तो मैं भी रोना आ रहा है तुम्हारी मम्मा के लिए मिल नहीं रहे। यहाँ हर एक शोरूम में ऐसे लोग भरे हुए हैं, पता नहीं इतने लोग आते कहाँ से शॉपिंग करने आए हैदराबाद में, कहाँ से आते हैं इतने लोग, मुझे लगता है शायद कि लोग शॉपिंग करने हैदराबाद आते होंगे, क्योंकि हैदराबाद में इतने लोग हैं नहीं इतने शॉपिंग में करने के लिए शोरूमों में, बहुत है बहुत। चलो जल्दी जल्दी चलो, ज़्यादा कलेक्शन है उनसे।
गाइस हमारी हादिया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। क्या हो गया है हादिया, बोलो तुम। एक बिल्ली मैंने इनको दिलवा रखी है, मतलब वो थोड़ी लोकल है वो इनके लिए, ये कबाड़े वाली है, इनके लिए लोकल हमने दिलवा रखी है। अब एक रह गई है, वो ये सोच रहे हैं कि अच्छी सी ले लें, लेकिन इनको मिलने नहीं वाली। गाइस हमें 15 मिनट से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं दिखाने। हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कोई आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं है। हम लोग बैठ के देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ इतना रश चल रहा है हर उसके शोरूम से, बट मैंने एक बात नोटिस की, छोटे मोटे शोरूम से यहाँ कोई शॉपिंग नहीं करता, यहाँ शॉपिंग सब बड़े शोरूम से करते हैं। बट यहाँ बड़े शोरूम के लिए सब लोग बैठे हुए वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था, मोर देन 15 मिनट्स हो गए थे। तो गुड भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग चलें, फिर यहाँ उन्होंने हमें रोक लिया। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए, और कल बच्चों का एग्ज़ाम भी है और उनके एग्ज़ाम की भी टेंशन है। और यहाँ इतने रश चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि रात के 1 बज नहीं रहा, अभी तो सुबह हो रही है। टाइम दिखा था अपने मोबाइल में, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। मेरा टाइम ही आ चुका है, 1:06 वाओ भैया, बच्चों ने अनेबल कर दिया है। और दिन भर लॉक खोलते रहते हैं, दिन भर जो मतलब पूरे फेस पे जरी जरी हो गई है, हिसाब की जरी इतनी निकल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी अभी यहीं से ही लेने वाली हूँ। बोलो और हम जाने में तो बोलो हर एक गली में लोग आ गए हैं गोलगप्पा खाने। गोल सो गाइस यहाँ देखिए हमारे चांदनी के साइज के कहीं भी चांदनी के साइज के नहीं मिल रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं, मेरे साइज से मिल रहे हैं, सबके साइज से मिल जा रहे हैं, चांदनी जी के साइज के नहीं मिल रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने पूरा एविट 2 बार घूम लिया, कुछ नहीं मिला। ईद के पर्पज़ से हमें थोड़ा हैवी सा सूट चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों में हम लोग हैवी पहनते हैं ईद पर, नहीं मिला। क्या करें आप बताइए,
मार्ट बाजार है ये, हर गली में शोरूम है यहाँ, हर एक ग्रैंड होटल में जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए हर एक शोरूम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हर गली में शोरूम है, हर गली। अच्छा ये आर एस ब्रदर होगा, ये गुड्डू भाई कह रहे थे यार कहीं है, साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल ग्रैंड होटल। हम लोग आ गए हैं ग्रैंड होटल, ये है आर एस ब्रदर, ये एबिट्स में आए हुए हैं हम लोग एबिट्स। अरे कहीं जहाँ मिल गया है, आपको दिखाती हूँ 138 हो रहा है, आज भी 138 हो रहा है, पता नहीं क्या है ये कोइंसिडेंट है, 138 से 139 आज हुआ है, वरना हम लोग 138 पे ही आते हैं। ग्रैंड होटल पे काफ़ी अंधेरा है तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही घटिया आ रही है, बट ओके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गोरी काली हूँ, मुझे नहीं दिखना है। भीड़ चलती क्यों है यहाँ ग्रैंड होटल में भी, काफ़ी वेट करने के बाद सब लोग बोले एक घंटे से क्लोज क्लोज क्लोज, बट लोग आ ही जा रहे हैं। आज हम भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, हमारी बिरयानी कब आएगी। क्या आज वाला होटल नहीं है, कांच वाला है, कांच वाला है ना, एक दो कांच वाला होटल घुमाऊँ, एक हैदराबाद की मशहूर बिरयानी। बिरयानी खा लीजिए, हैदराबाद की मशहूर बिरयानी, यम्मी है, बहुत यम्मी ग्रैंड होटल। तो हमने एक और फुल पार्सल मंगाया, नहीं मेरा थोड़ा सा टाइम ले लेते, क्वान्टिटी बहुत कम करना, मैंने ऑलरेडी फुल खा लिया, इनको भर के देना। सो गाइस हमारी बिरयानी दोबारा से आ गई है, मैंने तो लेनी नहीं थी, मेरा तो पेट फुल हो चुका है।
मैंने आंटी ने दिया। कैसा लग रहा है आपको बिरयानी खा के? पानी बाटल दो। हमारी मामी अपने हैंड्स को क्लीन कर रही हैं और मैं आपको टाइम बताती हूँ, 2:15 हो गए हैं। क्लोजिंग का बोर्ड लग चुका है लेकिन कुछ सुनी नहीं रहा, सब आए चले जाने। स्टाफ पूरा परेशान होकर अपने आप चला गया, अब वो किसी को सर्विस नहीं दे रहा है, वो लोग चले गए और हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी अब तो पार्सल, हमारी तो बिरयानी हो भी गई, सब खाली भी हो गया है, आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हैं सब खाली हो गया है। यहाँ बिरयानी फुल मंगाई थी हमने 2 बार, फर्स्ट मंगाई तो हम लोगों को लगा था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी होटल से खाना खा गए थे, फिर यहाँ ग्रांड होटल बिरयानी खाई, फिर उससे हमारा कुछ नहीं हुआ, फिर हमने दोबारा से मंगाई और अब बहुत गुस्से में था और वो चला गया सारा अपने मैनेजर पे गुस्सा होकर, क्योंकि मैनेजर चाह रहा था कि स्टाफ और काम करें बट है ना स्टाफ ने चले गए और यहाँ सबने क्लोजिंग का बोर्ड लगा के रख दिया और हमारे यहाँ दिया कि इतने हाथ साफ़ हो रहे हैं कि कुछ पूछा नहीं जाए, बस वो हाथ साफ़ करने में लगे हुए हैं। स्टाफ से कंफर्म किया, वो बोल रहे हैं कि 24 आवर्स खोलना है, तो मैंने कि बोर्ड तो लग गया, सब कुछ खाली रहा हुआ है, नीचे खुल रहा है, नीचे प्लेन राइस मिल जाएंगे, लेकिन बिरयानी ख़त्म कर दी क्योंकि बिरयानी यहाँ जान है, बिरयानी इसमें जान बसती है हैदराबादियों की, जब तक बिरयानी ना हो तब तक कुछ नहीं खाना खाने। फ्रेंड हम लोग सबसे लास्ट में जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा स्टाफ भी चला गया और टाइम 2:26 हो गए, सो गाइस टाइम भी हो गया और सब लोग जा भी रहे हैं। काफ़ी लेट होने के बाद अब हमारा घर का टाइम हो गया है, इन्हें देखो इन्हें, यहाँ बाहर भी है विदाउट एसी बट हम लोग एसी में बैठ के खाया था। पब्लिक आ जा रही है तो उन्होंने शटर को गिरा रखा था, तो अब हम लोग बैठे हुए अब से अब हम लोग निकलेंगे क्योंकि लोग फ्रेंड्स अब ये शटर खुल गया है, हम लोग निकल रहे हैं, स्टाफ मेंबर हमें निकल, सब लोग निकल रहे हैं जैसे हम लोग कहीं कोई क्राइम करके आए हुए हैं। अब ये लोग पब्लिक रुक नहीं रही है, पब्लिक आ रही है खाना खाने के लिए, शॉपिंग कर रही है, इसलिए पूरे रात 3 बज गए और वो पब्लिक नहीं रुक रही है, इसलिए उन लोगों ने बंद कर दिया है अपना, स्टाफ भी बहुत थक चुका है, इसलिए हम लोग खाना खा के घर जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया पर स्टिंग भी बंद हो गई। गाइस मैं आई थी जब लाइटनिंग तो जल रहा था, ये देखिए बहुत लोग पूछते हैं मुझसे आप व्लॉग में, मैं कहती हाँ कौन सा चैनल है सना फर के, आधे लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि कौन सा चैनल है, और ग्रांड होटल वाले ने हमें धक्के मार के बाहर निकाला, वो रहता है रात को आ मत जाना, वो बहुत स्टाफ बहुत गुस्से में था क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था। अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, रात के 2:30 बज चुका है, अब हम लोग मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में, आप लोग मुझे देखते रहिए एविट्स पे आके ग्रांड होटल में कैसे खाई मैंने बिरयानी, देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए और मेरे लिए दुआ भी करिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ, शबीने में मैंने सबके लिए दुआ करा, पूरी उम्मत के लिए दुआ करा है, सबके लिए करा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? सना फार के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल, so कर ये बच्चे नहीं बोलते अपना पापा का चैनल प्रमोट करना बट मैं भी कर ही देती हूँ। हेलो गाइस, सो गाइस 2:43 हो रहे हैं और हम लोग घर पर आ गए हैं, घर पर आने के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई है, मैं एक भी दिन नहीं सो रही हूँ, लाइक लिटरली कल भी मेरा शबीना था और आज शबीना नहीं था, कल 27 था 29 है, कल मैं एक भी दिन फ्री नहीं बैठी हूँ अभी तक, और कमेंट करें और मैं चांदनी जी का घर भी दिखाऊंगी लेकिन आप लोगों की डिमांड पर। आज अबाया पहने थे माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं घर जाके देखना अपनी औकात दिखा दूँगी, मुझे पता है कि मैं अबाया नहीं पहनूंगी, ये रख दूँगी, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी हैदराबाद में वो अबाया भी लेके आऊँगी, फिर मैं न्यू परचेज करूँगी, फिर मैं घर जाके वो भी रख देती हूँ। अभी तो मेरे पास 3-4 अबाए इकट्ठे हुए हैं, हर कलर के हुए हैं, अब मैं अगर फिरोजाबाद गई तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और मेरे साथ ये सब होता ही रहता है, मैं बहुत बुरी हूँ।